सकते थे वो साबित कर दिया विराट कोहली ने भाई, पर चलता ही वो पाकिस्तान के खिलाफ है। पिछले एक मुझे वो टाइम याद आ गया कि जब उसने सेंचुरी मारकर तब भी जिताया था इंडिया को, लेकिन अभी तो बिल्कुल यकीन नहीं था यार मुझे। मैं खुद एक एक बॉल देख रहा था, जब एंड पे आके उस बंदे ने मार दिया यार। विराट नोड और बहुत अच्छा खेला। वैसे इस दफा विराट से ज्यादा चर्चा सूर्य कुमार यादव का था, लेकिन विराट पे विराट बाजी विराट तो फिर विराट है ना, विराट कोहली तो क्या वो कैसा लगता है आपको, अच्छा प्लेयर? नहीं, अच्छा प्लेयर जरूर है, लेकिन जो कल उसने हमारे साथ ज्यादा की वो नहीं हमें अच्छा लगा, यहाँ से बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। सही बात है, हमारे ज्यादा हुई है, वो ज्यादा हुई है। क्या विराट कोहली ने आज अपने आप को साबित कर दिया यार, विराट कोहली किंग है और किंग ही रहेगा। विराट कोहली से एक्सपेक्टेड है था कि ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, जैसा कि देखा जाए पूरी दुनिया में लग रहा था पूरी। जय हिंद मेरे दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की मैच का जो रिजल्ट आया वो इंडिया के फेवर में आया और उसके लिए इंडिया पूरी हकदार भी थी, लेकिन फिर भी कुछ पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन आज भी ऐसा है कि वो अभी भी उस अंपायर के डिसीजंस को गलत मानते हैं जो कि पूरी तरह से सही थी, लेकिन फिर भी उनके दिमाग से वो हार का जो गम है अभी तक के निकल नहीं पा रहा है। इसी के वनस्पत जो रिएक्शंस आ रही है उनके लोगों की, वो रिएक्शंस हम देखते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मज़े लेना इस रिएक्शंस के। मिलते हैं। बेशक अच्छा है, लेकिन कल जो हुआ है वो हमारे साथ बेइंसाफी हुई है। ने कोई वाइट बॉल दे रहे थे और रनिंग भी सही थी, लेकिन एंड पे इन्होंने गड़बड़ की है। हाँ, हमें बहुत दुख हुआ, ये हाथ में हमारे मैच था ये, लेकिन क्या हक में गया ना, वो सरासर बेईमानी है। हम कहते हैं एंड पे आके बेईमानी खुली बेईमानी नजर आ रहा था। एक तो होता है ना, लेकिन हार जीत होती है, लेकिन जो कल कैसे वाइट बॉल दी जबकि नहीं देनी चाहिए थी, वो यहाँ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हुई, बहुत ज्यादती हुई। क्या कहना चाहते हैं विराट कोहली के, वो कैसा लगता है आपको, अच्छा प्लेयर? नहीं, अच्छा प्लेयर जरूर है, लेकिन जो कल उसने हमारे साथ ज्यादती की वो नहीं हमें अच्छा लगा, यहाँ से बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। सही बात है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई। क्या मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के हवाले से? हम ये देना चाहते हैं कुछ जो कुताहियां ये भी दूर करें, ठीक है कल उनका हक बनता था, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई है जो उन्हें वाइटे बाले दिए ना, वो सरासर ज्यादती थी वहाँ से। जी, तो अब नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना चाहिए, जो मैच आएगा उसमें हम क्या कितनी मेहनत करें? मेहनत तो हर दफा ये करते हैं, गड़बड़ तो एंड टाइम पे ही गड़बड़ होती है। पाकिस्तानियों की उम्मीदों पे पानी फिर चुका है, क्या कहोगे? क्या कह सकते हूँ, लेकिन हम एक साइड पे ये भी देख रहे हैं कि एफर्ट नो डाउट बहुत ज़्यादा की, बहुत एफर्ट इनपुट की पाकिस्तान की बॉलिंग एज यूजुअल बहुत अच्छी थी, लेकिन जब स्टार्टिंग में बाबर आजम आउट हुआ है तो काफ़ी हद तक नाउम्मीद तो मैं तभी हो गई थी कि वो शर्ट ये क्या हो गया, लेकिन विराट ने जो छक्के मारे हैं। बाबर की बात करें, जीरो पे आउट हो गए, रिजवान चार बना के आउट हो गए, उनके बारे में क्या कहेंगे? जब बाबर और रिजवान आउट हो गए ना तभी मैच हमारे हाथ से निकल गया था, लेकिन फिर भी उसके बाद बाकी टीम ने बहुत अच्छा सपोर्टिव खेला। एंड पे भी आके आप देखो कि कितने कम उससे हारे हैं, बिल्कुल एक रह गया था और उस पर आके वह हारे हैं। तो आई थिंक अगर कैप्टन और फिर एक ऐसा बंदा जिसको आप देखो कि इंटरनेशनल लेवल पर इतना सराहा जा रहा था रिजवान को और इतना ज़्यादा उससे उम्मीदें लगाई जा रही थी, वो दोनों आउट हो गए, बाकी टीम ने बहुत अच्छा खेला। उन दोनों से अगर हम बात करें विराट की, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, उन्होंने लास्ट तक जमे रहे और अपनी टीम को जितवा दिया, उन्होंने उसके बारे में क्या कही? विराट नोड और बहुत अच्छा खेला। वैसे इस दफा विराट से ज्यादा चर्चा सूर्य कुमार यादव का था, लेकिन विराट पे विराट बाजी विराट तो फिर विराट है ना, विराट सब जानते हैं उसने बहुत अच्छा खेला है और पाकिस्तान जितने मर्जी स्ट्रगल कर ले लेकिन विराट कोहली की क्लास को नहीं पकड़ सकता। वो ये भी जानता है कि मुझे कब मेरे मुल्क को कब मेरी ज़रूरत है, कब मेरी कंट्री को मेरी ज़रूरत है और उसने कैसे अपनी कंट्री की ज़रूरत को पूरा करना है। किंग ऑफ द मैच रहा है वो और मैं यही कहूँगा कि विराट कोहली के लेवल को कोई नहीं पकड़ सकता। जब जैसे कि आप देखा कि वो बिल्कुल शुरू में कैसे के लैंड पे आकर उसने कवर किया सारा, मैन ऑफ द मैच रहा है और विराट कोहली इज़ बेस्ट, मेरे किंग ऑफ द मैच है विराट कोहली जो है ना। जैसे कि उसके ऊपर काफ़ी तनकीदें की गई थी कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, बट उसने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है और आज भी उसने अच्छी पार्टनरशिप लगा के अच्छे स्कोर के साथ इंडिया अपनी टीम को जितवाया भी है। आपको क्या लगता है विराट कोहली में क्या था कि उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी? देखो, उनका गेम प्लान बड़ा अच्छा है, उसने आके जहाँ पे उनके आउट हो गए थे और उन्होंने सुकून से खेला है, एंड तक मैच लेके गए हैं और स्टार्ट से यही काम करता है। जैसे ही उसको जब लगा कि स्कोर चाहिए, उसने वहाँ पे शाटे भी बड़ी खेली है। वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है, उसका वो हमेशा से ही कमबैक करता है और उसने बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। पाकिस्तान
वर्सेस इंडिया वर्ल्ड कप तो देखा ही हो। बहुत जल्दी में लग रही है यार, मैच जीते मैच हार गए यार हम। मैच हार गए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो अगर मैं बात करूं विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने हारा हुआ मैच इंडिया को जितवाया, क्या कहोगे उस पर? अप्रिशिएट यार, वन मैन आर्मी यार, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन पूरी दुनिया में मशहूर यार। आईसीसी खुद कहता था कि अगर पाकिस्तान की इस किस्म की बॉलिंग अगर इंडिया की बैटिंग साथ हो तो किसी भी महाज में पाकिस्तान क्या दोनों मुल्क अगर साथ होते तो जीत सकते थे, वो साबित कर दिया विराट कोहली ने भाई, चलता ही वो पाकिस्तान के खिलाफ है। पिछले एक मुझे वो टाइम याद आ गया कि जब उसने सेंचुरी मारकर तब भी जिताया था इंडिया को, लेकिन अभी तो बिल्कुल यकीन नहीं था यार मुझे, मैं खुद एक एक बॉल देख रहा था जब एंड पे आ गया उस बंदे ने मार दिया यार। मुजामिल, एक तरफ जहां इंडिया में विराट कोहली इतना परफेक्ट खेल रहा है, वहीं पे दूसरे जाने पे हमारे प्लेयर्स वो लोग, जहां विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना चलता है उसका सिक्का उछलता है, वहीं दूसरे जाने पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट ही नहीं चलता, बाकी सारे मैच जीत जाता है, क्या वजह है? यार प्रेशर इतना ज्यादा होता है, आपने देखा होगा हाउस फुल था, इंडिया का क्राउड इतना था कि एक बॉल के अंदर ही इतने क्राउड मचाते थे लोग कि बॉलर परेशान होता था मैं किधर हूँ मैं कहाँ हूँ, यकीन करो इतना प्रेशर आ जाता, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खेले, हम बुरा नहीं कह सकते। सबसे जो बड़ी मेन मिस्टेक हुई ना पाकिस्तान की टीम के अंदर, सबसे पहले जो हमारे ओपनर्स थे रिजवान और बाबर, मिडल ऑर्डर काफी वीक था, मिडल ऑर्डर ने इस मैच में अच्छा काम किया। इसी के आपने देखा वर्ल्ड कप 2022 का पाकिस्तान इंडिया का एक फाइनल की तरह बहुत ही सनसनीखेज मैच हुआ, लास्ट बॉल तक मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि पता नहीं कौन जीतेगा, इंडिया फाइनली जीत गया, किस तरीके से देखते हैं आप? ये मैच एज पर एक्सपेक्टेड बहुत अच्छा मैच हुआ है, सही, क्योंकि दोनों टीमें बहुत मजबूत हैं और आपको पता है कि हमारी राइवलरी जो है बहुत मशहूर है, सही, तो यही एक्सपेक्टेड था कि मैच बहुत अच्छा होगा और अच्छा भी हुआ, लेकिन जहां तक मैं देखता हूं हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 30 रन्स कम था, ठीक है। एक्चुअली हमारी एक माइंडसेट बना दिया गया है, हमारे कैप्टन जब टॉस जीतते हैं या हारते हैं तो जब पूछा जाता है कि आपका टारगेट क्या है तो वो कहते हैं कि मैं हमारा टारगेट है 170-160, ठीक है। तो ये ज़हनियत जो है इससे निकलना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो बहुत तेज़ हो गया, हम 2022 में जी रहे हैं, वो तब का ज़माना था 2007 का जब T20 क्रिकेट शुरू हुई थी, जब हम लोग 140-150 बनाते थे और डिफेंड कर लेते थे, क्योंकि दुनिया जो है वो यूज टू नहीं थी बड़े टारगेट को खेलने में ना पहले, क्योंकि वन डे क्रिकेट का जो माइंड सेट होता था उस तरीके से खेलते थे।